हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ डीडी फ्री डिश में कैसे 500 से भी ज़्यादा चैनल लाते हैं। बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसे की भी ज़रूरत नहीं, ना कोई रिचार्ज का ज़रूरत है, ना किसी को कुछ पैसे देने का ज़रूरत है, ना कोई केबल कनेक्शन लेना है। इसमें सिर्फ चाहिए एक कैटविजन का फ्री सेटअप बॉक्स, जो कोई भी कैटविजन का सेटअप बॉक्स ले सकते हो। और इसके साथ चाहिए एक डिश एंटेना, कोई भी डिश एंटेना, टाटा स्काई का हो, एयरटेल का हो, डिश टीवी का हो, कोई भी डिश एंटेना ले सकते हो। ऐसा नहीं है जो सिर्फ टाटा स्काई का ही चलेगा, नहीं तो सिर्फ एयरटेल का ही चलेगा, कोई भी चलेगा। आज मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ कैसे सेट करते हैं उसको। देखो, मेरा ये स्कैनिंग हो रहा है अभी, 547 चैनल दिखा रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। रेडियो का 97 चैनल दिखा रहा है। तो देखो, टोटल जो कंप्लीट हुआ दिखा रहा है 558 टीवी चैनल एंड 98 रेडियो चैनल। तो दोस्तों, चलो देखते हैं। मैंने ऑनलाइन अमेजोन में एक सेटअप बॉक्स ऑर्डर किया था, वो आ गया अभी। ये देखो, अमेजोन का पैकेट है, ये कैटबिशन का सेटअप बॉक्स है। चलो इसको खोल कर देखते हैं क्या है अंदर। इसमें मैं आज एंटीना सेटअप से लेके पूरा चैनल लाने तक जो जो करना है सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो पूरा देखने के लिए वीडियो लास्ट तक देखिए, तो आपका घर में भी ऐसे एंटीना सेट कर सकते हो डीडी फ्री डिश का। ये देखो, अमेजोन डॉट इन से ऑर्डर किया था, तो उसका ये बिल दिखा रहा है। ये सेटअप बॉक्स का मेन बॉक्स, देखो वाईफाई इनबिल्ट है इसमें। मोबाइल से भी ट्यूबीकास्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल से भी आप टीवी को चला सकते हो उससे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। इस वीडियो में आप सबको देखने को मिलेगा कैसे ये सेट बॉक्स सेट करते हैं, कैसे चैनल लाते हैं और एंटीना कैसे सेट करते हैं। एंटीना का एंगल भी बताऊंगा। तो पूरा जानकारी के लिए लास्ट तक देखिए वीडियो को। देखो बॉक्स के अंदर ये रिमोट है एक, जो व्हाइट कलर का आया है, नहीं लेकिन मैंने जो ऑर्डर किया था उसमें ब्लैक कलर था। सेट टॉप बॉक्स आया है, एचडीएमआई केबल, ऑडियो वीडियो केबल, ये है एचडीएमआई, और ये है चार्जर और पावर एडाप्टर। ट्वेल्व वोल्ट ऑन एम्पियर का है। ये दो बैटरी रिमोट के लिए, ये अमेजोन में ये इसके बॉक्स के साथ रिमोट के बैटरी भी भेजते हैं। और सब लास्ट में ये दिखा रहा हूँ जो ये सेटअप बॉक्स है। देखो इसमें लिखा हुआ है कैटबिशन CSR। नीचे वाला दो रबर कहाँ पे गायब हो गया, चलो कोई बात नहीं, उसका ज़रूरत भी नहीं है कुछ भी। पीछे जो है ये पहले दिख रहा है एंटेना, उसके बाद यूएसबी है, यूएसबी से कुछ भी रिकॉर्ड करना चाहते हो तो कर सकते हो, चलो कोई मूवी भी चला सकते हो। चलो अनबॉक्सिंग हो गया, अब इसको सेट करेंगे। मैंने ब्लैक रिमोट ऑर्डर किया था लेकिन व्हाइट आ गया, चलो कोई बात नहीं। चलो सेट करते हैं।
ये देखो कैटबिशन का जो अभी ओपन किया वही बॉक्स, ये मॉनिटर है, मैं इसको मॉनिटर से कनेक्ट करूँगा क्योंकि टीवी अभी मेरा पास टीवी नहीं है, तो मैं मॉनिटर से ही देखता हूँ टीवी। कैटबिशन का सेटअप बॉक्स CHR401HP, तो इसमें पहले एंटीना का जो केबल है उसको अटैच करते हैं। जो लेफ्ट वाला स्लॉट है उसमें एंटीना का केबल अटैच कर दिया। ये है पावर एडाप्टर, ये 12 वोल्ट 1 एम्पियर का पावर एडाप्टर है, मतलब ये जो सेटअप बॉक्स है ये 12 वोल्ट में चलता है। ये देखो सबसे राइट वाला जो पॉइंट है वो पावर अडेप्टर का है, मैंने उसको लगा दिया। और जो मॉनिटर का HDMI केबल है, मैंने जो पैकेट का नया केबल है उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से HDMI केबल था, तो मैंने उसको ही इसके साथ लगा रहा हूँ। HDMI भी लगा दिया। रिमोट है, इसके अंदर अभी कोई बैटरी नहीं है, तो जो बैटरी भेजा था अमेजोन से उसको इसके साथ इंसर्ट कर रहा हूँ इसके अंदर, नहीं तो रिमोट काम नहीं करेगा। दो बैटरी, इसको ये देखो मैंने इंसर्ट कर दिया। अब कवर को लॉक कर दिया। अब जो पावर अडाप्टर है इसको बोर्ड पे लगाना है, प्लग इन कर दिया, स्विच भी ऑन कर दिया। और देखो उधर सेटअप बॉक्स में देखो रेड सिग्नल आ गया, इसको चालू भी कर दिया। इसमें पहले से चैनल सेट है लग रहा है क्योंकि मॉनिटर में देखो ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में मॉनिटर में लाइट आ गया, कोई जो कोई कुछ तो चल रहा है। अमेजन से जब सेटअप बॉक्स भेजा है कुछ चैनल सेट करके भेजा है, तो मैंने वो सारे चैनल को फैक्ट्री रीसेट कर दूंगा तो सारे चैनल चला जाएगा। उसके बाद दोबारा सेट करके दिखाऊंगा कैसे चैनल लाते हैं इसमें। तो आप रिमोट का जो राइट से वाला रेड बटन है उसको प्रेस करके ऑन करते हैं सेटअप बॉक्स को, ये ऑन कर दिया देखो। देखो ऊपर कैटबिशन लिखा आया है,
अभी देखो चैनल भी चलना शान भाई, शुरू मैंने हो ऐसा गया, नुक्ता छेड़ दिया है कि आप तो पोस्टमार्टम ही करने बैठ गए इंडियन टीम का, और तो इसमें मेरे पहले ख्याल से से चैनल सेट है। हैट्स ऑफ टू मैं ऑल द सारे चैनल टाइटल, को ये डिलीट कर एग्री कर दूंगा, रहे हैं कि इतनी इसको बड़ी लीग के फैक्ट्री बावजूद रीसेट आप करना जीते नहीं। है। लेकिन एक और पॉइंट है, और मैं चाहूंगा कि सनी भाई भी उस पे तबसरा करें, हमारे यहाँ से भी तबसरा हो, क्योंकि मैंने कहा कि नफ्स जो नफ्स हैंडल करेगा वो जीतेगा। तो यहाँ पे लीडरशिप का प्रदर्शन, इसको जब फास्ट आज की कर दिया, सबसे नहीं अच्छी अच्छी तो चीज है लेंथ उनका बहुत पेस ज़्यादा हो बॉलर, इस जाएगा बार से वीडियो का। एक्सपेक्ट भी नहीं मारी विराट कोहली ने। मैं जेनुअनली जाना चाहूंगा सनी भाई से, हरभजन से, कि ये कितना देखो पैशन होगा रिमोट विराट में कोहली एक का इस बार मेनू पंजाब बटन जीतने है, पाकिस्तान ये के। लेकिन ऊपर विराट को इस बात की खुशी है कि वो पाकिस्तान की बैटिंग, इसको प्रेस करो। इसको प्रेस करने से अभी ये मेनू आ गया। अब साइड वाला जो कर्सर बटन है ये देखो, ओके के साइड बाजू में लेफ्ट राइट जो वॉल्यूम प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो वॉल्यूम प्लस वाला उसको प्रेस करेंगे तो साइड में चेंज होता रहेगा। क्या क्या है देखो इसमें सेटिंग, तो हमको चाहिए फैक्ट्री सेटिंग। ये देखो फैक्ट्री सेटिंग आ गया, तो इसको अब बीच वाला जो ओके बटन है उसको प्रेस करेंगे तो ये इनपुट पासवर्ड पासवर्ड देने के लिए बोलेगा। तो इसको बाय डिफॉल्ट पासवर्ड रहता है 40, मतलब 4000, 40 दबाना पड़ता है। दबाने के बाद इसके बाद ये डिलीट करने के लिए कॉन्फर्मेशन मांगता है, तो यस कर दो इसको, तो ये रिसेट हो जाएगा। नो प्रोग्राम फाउंड, अभी कोई प्रोग्राम नहीं है बोल रहा है। तो अभी इसके बाद जाएंगे सैटेलाइट लिस्ट में, तो एक बार पावर अप करके देखते हैं कोई चैनल आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। पावर अप कर दिया, देखो रेड सिग्नल आ गया सेटअप बॉक्स में। अब इसको फिर से पावर ऑन करेंगे, पावर ऑन हो गया। देखो अब कोई चैनल नहीं आया, डायरेक्ट मेनू आ गया, क्योंकि कोई चैनल सेट है ही नहीं इसमें। सर रिसेट कर दिया, अब सैटेलाइट लिस्ट में आ गया। इसके अंदर हमको चाहिए 93.5 वाला फ्रीक्वेंसी, तो इसमें देखो 93.5 तो नहीं है, 95 है और 90 है, तो 95 को हम एडिट करेंगे। तो एडिट के लिए रिमोट में जो ग्रीन वाला बटन है उसको प्रेस करो। उसको प्रेस करने से देखो ग्रीन वाला जो बटन है उसको प्रेस करोगे तो एडिट मोड में चला जाएगा वो, तो उसको प्रेस कर दिया मैंने। ये देखो आप एडिट का ऑप्शन आ गया। NSS 6 जो चैनल है उसका लॉन्गिट्यूड यहाँ पे 93.5 करना है। नाइन जीरो 93.50 बस। अब इसको कॉन्फर्म करना है, तो कॉन्फर्म कर दिया इसको। अब देखो सैटेलाइट लिस्ट में नीचे 93.5 आ गया NSS 6 में। अब राइट वाला कर्सर प्रेस करके जो वॉल्यूम प्लस है उसको प्रेस करो। उसको प्रेस करने के बाद ये जो साइड में फ्रीक्वेंसी आ गया, सेटेलाइट लिस्ट में जाओ, फिर से दिखा रहा हूँ। जाने के बाद 93.5 जो अभी सेट किया हमने उसमें जाओ। जाने के बाद राइट वाला जो कर्सर बटन है उसको प्रेस करो। प्रेस करने के बाद जो LNB फ्रीक्वेंसी है उसको यूनिवर्सल रखो। उसको राइट वाला जो कर्सर बटन इसको प्रेस करोगे तो चेंज होता है। और बाकी जो है LNB पावर ऑटो रखो, मोटर सेटअप नॉन रखो, जैसे मैं कर रहा हूँ सेम रख दो। एग्जिट पर प्रेस करने के बाद यस करो। स्कैन मोड ब्लाइंड स्कैन रखो, और जो स्कैन चैनल हो पे टीवी प्लस रेडियो दोनों रख दो। अब सर्च करना है, तो सर्च
या फिर स्कैन टाइप सैटेलाइट सिंगल मोड, सिंगल सैटेलाइट चार्ज करो, स्कैन मोड ब्लाइंड, और बाकी जो है सेम रहने दो। अभी सर्च प्रेस करने के बाद ये देखो चैनल सर्चिंग हो रहा है, स्कैनिंग हो रहा है। देखो अभी 20% है, इसमें भी 200 चैनल आ गया। लेफ्ट में टीवी का चैनल आ रहा है और राइट में रेडियो का चैनल। टू सेवेंटी नाइन और भी आ रहा है, देखो 420, 491, 547। वाह कितने सारे चैनल आ गया है। देखो टीवी का 547 चैनल आ गया, अभी भी बाकी है। ये देखो 558। ओके अभी टोटल सर्च फिनिश्ड हो गया, टोटल चैनल फाउंड 558 टीवी चैनल एंड 98 रेडियो चैनल। अब इसको ओके बटन प्रेस करो। अब मैंने मेनू बटन प्रेस किया, ये सैटेलाइट लिस्ट, टीवी चैनल लिस्ट, देखो कितने सारे चैनल्स आ गया। ये जो डॉलर का सिंबल दिया हुआ चैनल है, ये अभी एक्चुअली इसमें नहीं चलेगा क्योंकि वो पेड चैनल है, फ्री चैनल नहीं है। जो भी फ्री चैनल है जिसमें डॉलर का सिंबल नहीं है तो वो चैनल यहाँ तो पे देखो चलेगा, चैनल चलना चालू हो गया। बाकी कोई भी चैनल नहीं चलेगा, वो भी ज़्यादा नहीं है वो चैनल। ये देखो अभी फ्री चैनल आ गया, तो इसके अंदर कोई भी चैनल हम चला सकते हैं। मैं दिखा रहा हूँ कितना चैनल आया है, देखो लेकिन यहां आकर तुम्हारे टाइप सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा मुझे। देखो चैनल चल रहा है। शर्म नहीं आती तुम्हें मेरे अपनी पत्नी पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए? मुझे मुझे माफी मांगने के बजाय ज्यादा चला के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा। जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे, क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से कितनी मशीन देखो कितने सारे चैनल्स थे। वीडियो का लेंथ ज्यादा ना हो जाए इसलिए वीडियो को फास्ट कर दिया मैंने। तो आप सब ऐसे एंजॉय कर सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ करने का नहीं, सिर्फ एक सेटअप बॉक्स खरीदना है कैडबिशन का, HD सेटअप बॉक्स है, और एक डिश एंटीना तो हर किसी को घर में अभी है, नहीं है तो एक डिश एंटीना भी खरीदना पड़ेगा। नॉर्मल कोई भी डिश एंटीना चलेगा। उसके बाद आप ये सेटअप बॉक्स खरीद के, मैंने जैसे सेट किया ऐसे अगर सेट करोगे आपका घर में भी कहीं पे, इंडिया का कहीं पे भी हो, आपका घर में भी बिना रिचार्ज वाला डिश टीवी सेट हो जाएगा। इसमें ना कोई रिचार्ज करना है, ना किसी को पैसा देना है, ना कोई टेंशन रहेगा। जस्ट एक बार सेट कर लो, अपना टीवी चलते रहेगा। तो अब मैं दिखाऊंगा इसका एंटीना कैसे सेट करते हैं। चलो चलते हैं एंटीना का तरफ। ये देखो मेरा टाटा स्काई का एंटीना था तो मैंने उसमें ही ये डीडी फ्री डिश सेट कर दिया कैटबिशन का। इसका जो एंटीना का एंगल है, एक्चुअल एंगल है साउथ ईस्ट, मतलब ईस्ट और साउथ इसका बीच में। और जो सैटेलाइट रिसीवर है उसका एंगल टाटा स्काई के लिए थोड़ा सीधा रहता है नीचे का तरफ, लेकिन ये थोड़ा लेफ्ट में घुमाना पड़ता है इसको, तो जाके ठीक से चैनल आएगा। मैंने इसको पूरा सेट कर दिया,
इसका डिश का जो एंगल है वो 65 डिग्री के आसपास है। देखो नीचे दो स्क्रू है, नट बोल्ट है, उसको लूज करके मैंने उसको भी घुमा के सेट किया। तो आपका घर में या कोई भी डिश एंटीना हो उस पर ऐसे सेट कर सकते हो। साउथ और ईस्ट इसका बीच में इसको रखना है और डिश का एंगल 65 डिग्री के आसपास रखना है। जैसे मैंने किया अगर ऐसा अगर सेम करोगे तो आपका घर में भी फ्री डिश का चैनल आ जाएगा। मैंने ये फ्री डिश सेटअप बॉक्स का बहुत सारे कमेंट्स देखा, रिव्यू देखा, उसमें मैक्सिमम लोग बोलते हैं चैनल नहीं आ रहा है। इसका मेन वजह है ये एंटेना ठीक से सेट नहीं होता है, इसीलिए। ये देखो ये जो सीधा कैमरा है ये ईस्ट है और राइट साइड में साउथ है। तो मेरा जो डिश एंटेना है ये सेट किया मैंने साउथ और ईस्ट इसका बीच में, साउथ भी नहीं है ईस्ट भी नहीं है, इसका बीच में रखना है। ऐसे घुमा के सेट करोगे तो आपका डिश एंटेना में भी ऐसे चैनल आ जाएगा। देखो चैनल लिस्ट में जाके बहुत सारे चैनल आ गया, टोटल 558 TV चैनल एंड 98 रेडियो चैनल। तो आप भी घर में फ्री डिश यूज़ कर सकते हो, इसमें रिचार्ज का टेंशन नहीं रहेगा। हर बार रिचार्ज करो नहीं तो बंद हो जाता है, तो ऐसा टेंशन नहीं रहेगा। चैनल्स भी बहुत सारे हैं, सिर्फ जो डॉलर्स का सिंबल वाला चैनल है वो नहीं चलेगा, बाकी सारे चैनल चलेगा। कुछ ही दिनों में कमला घर का सारा काम संभाल लेती है। ये देखकर सोनू की मां का दिल कमला को बहू के रूप में अपनाने लगता है। बेटी कमला, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ? जी हाँ जी, कहिए। जो जो चैनल का साइड में डॉलर्स का सिंबल है मेरी बहू के रूप में काम उसको करना, प्रेस करोगे तो वो नहीं चलेगा। कमला शर्मा के रत्न सर, हाँ मैं। तो ये हमारा डीडी फ्रिज का सेटअप बॉक्स सेट हो गया फुल कंप्लीट। आप भी घर में ट्राई कर सकते हो, ट्राई करके देख सकते हो। अगर सेट करने में कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा हेल्प करने के लिए। ये देखो नीचे से मैं दिखा रहा हूँ 558 चैनल और ऊपर 1 557, 555, 51। इसमें एक फ्री डिश वाला चैनल है जो जिसमें डॉलर का सिंबल नहीं है। बीच बीच में एक दो डॉलर का सिंबल वाला चैनल है उसको प्रेस मत करो क्योंकि वो नहीं चलेगा। धन्यवाद देखने के लिए। और कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, मैं कोशिश करूंगा हेल्प करने के लिए। इसका जो रेडियो चैनल लिस्ट है वो भी दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखो AR तेलंगाना है 1 नंबर में, नीचे है FTA ब्लॉक ऑडी, AR एनूड 97 में है। तो आप FM भी सुन सकते हो इसमें, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा डालने का जरूरत नहीं पड़ता है। महीने में एक बार ही इन्वेस्टमेंट करना है और पूरा लाइफ देखते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा तक देखने के लिए। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।